हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगी आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियंस पेपर के बारे में। ये सेकेंड स्टेज का सीबीटी पेपर है। ये टेस्ट 21 जनवरी 2019 को हुआ था। इसका सब्जेक्ट है पार्ट ए एंड एग्ज़ाम ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इस वीडियो में मैं आपसे पार्ट ए डिस्कस करूंगी। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज डज नॉट हैव डायमेंशंस। किस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है हमें ये बताना है। इसका सही आंसर तीसरा नंबर है, रिलेटिव परमीबिलिटी। दूसरे क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है। चारों आंसर में से जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है वही आंसर है इसका। स्टेटमेंट है, ऑल हार्ड वर्किंग वर्कर इन द फैक्ट्री हैव बीन प्रमोटेड इन द लास्ट 5 ईयर। इसका आंसर है चार नंबर, सम वर्कर हु वर प्रमोटेड इन द लास्ट 5 ईयर आर हार्ड वर्किंग। तीसरा क्वेश्चन है, आवर इलेक्ट्रिसिटी व्हील्स कैरी द एनर्जी कंजप्शन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है। गाइज इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, किलोवाट आवर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 30 मीटर इन 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 3 सेकंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। इस क्वेश्चन में गाइस हमें एवरेज स्पीड निकालना है। इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, 7.5 मीटर पर सेकेंड। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर पहला नंबर है, टिम बर्नर ली। गाइस अगला क्वेश्चन है, इफ़ वी कंपेयर द एफर्ट आर्म लेंथ विथ द लोड आर्म लेंथ इन ए क्लास 1 लीवर। इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, एफर्ट आर्म लेंथ कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन द लेंथ ऑफ द लोड आर्म। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका सही आंसर चौथा नंबर है, ट्यूबा। आठवां नंबर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। गाइज इस क्वेश्चन को आप खुद से ही समझ के करने की कोशिश करना।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 275.308? गाइज इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। इसका सही आंसर है पहला नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। गाइज ये सीरीज है 7.4, 8.7, 10.0, 11.3। इसके बाद जो मिसिंग नंबर है वही हमें फाइंड करना है। गाइज इसमें आपको माइनस करना है, आप देखोगे इसमें 1.3 कॉमन है। इसका आंसर है चौथा नंबर 12.6। गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स डैश एज कंपेयर टू ए वाइट सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। इसका सही आंसर है चौथा नंबर मोर हीट। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का विचार दिया था? तो गाइज पहला नंबर ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है एम एन रॉय, चौथा नंबर है बी आर अम्बेडकर, जिसमें से हमारा तीसरा नंबर एम एन रॉय सही है। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस वॉकिंग एट 80% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, देन ही इज लेट बाय 18 मिनट्स टू रीच द ऑफिस, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट सेम डिस्टेंस विथ हिज यूजुअल स्पीड? इस क्वेश्चन में गाइज हमें टाइम निकालना है। इसका सही आंसर है तीसरा नंबर 72 मिनट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर गिवेन फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवेन कंक्लूजन इफ एनी फॉलोज फ्रॉम द गिवेन स्टेटमेंट्स। तो हमें दो स्टेटमेंट दे रखा है और 3 कंक्लूजन दिया है, इसमें से जो कंक्लूजन सही है वही हमें सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है आल बम्बो आर टाल, सेकंड नंबर है आल टाल आर ग्रास, कंक्लूजन फर्स्ट है सम ग्रास आर बम्बो, कंक्लूजन नंबर सेकंड है सम टाल आर बम्बो, थर्ड नंबर है सम ग्रास आर टाल। इसका सही आंसर है तीसरा नंबर आल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ द टोटल प्रॉफिट इज ₹1000 एंड इज टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:2:5? तो इसमें आपको ए का शेयर निकालना है। तो इसका सही आंसर है दूसरा नंबर 300। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़े होकर हाथों से पीठ के निचले हिस्से को सहारा देने के बाद धीरे से धीरे की तरफ झुकने और कुछ समय तक इसी स्थिति में रहने को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर है चौथा नंबर, पीठ का दर्द। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है इन द फिट एंगल प्रोजेक्शन। गाइज यहाँ नीचे की तरफ नोट करके दिया है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इज क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। गाइज इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सबके लिए इग्नोर कर दिया गया है। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 3 अक्टूबर 2018। गाइज इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, मिस्टर रंजन गोगोई। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एंड बी फिल ए टैंक एट 30 एम की पर आवर एंड 40 m³ पर आवर रिस्पेक्टिवली, टुगेदर दे फिल द टैंक इन 4 आवर, फाइंड द वैल्यूम ऑफ द टैंक। इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है टैंक का। इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, 280 m³। गाइज अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पेंसिल हैज़ दी हार्डेस्ट ग्रेफाइट लीड। इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, 9H। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल ऑफ ए कंप्यूटर्स प्रोसेसेस एंड अलाउज प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन टू रन। इसका सही आंसर है गाइस दूसरा नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए नोबेल रिटन बाय प्रेमचंद। गाइस इस क्वेश्चन में हमें बताना है प्रेमचंद जी के द्वारा कौन सी नोबेल नहीं लिखी गई है। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन कोड लैंग्वेज के ऊपर है। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखा है, इसमें प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है माइनस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹10,000 वॉज डिपॉजिटेड इन ए बैंक दैट ऑफर 20% एनुअल कंपाउंड्स इंटरेस्ट, व्हाट विल द अमाउंट बी इन द बैंक आफ्टर 2 ईयर। गाइज इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट निकालना है, इसका सही आंसर आएगा 14,400। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसमें दे रखा है एम एन ओ एंड पी आर सीटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, एम डज नॉट वॉन्ट टू सीट नेक्स्ट टू पी एन इज टू द राइट ऑफ पी, विच स्टेटमेंट ऑफ द विलो इज फॉल्स। गाइज इसका सही आंसर है पहला नंबर, O is to the right of P। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिजिट्स एंड दैट इज डिविजिबल बाय 97 इज एक्स, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स। गाइज इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर 17। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, टू काउज जी एंड एच आर ग्रेजिंग इन ए फील्ड, दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, जी मूव्स 1.5 किलोमीटर साउथ देन टर्म्स ईस्ट एंड मूव्स 2.5 किलोमीटर देन टर्म्स टू इट्स राइट एंड मूव्स 3.5 किलोमीटर, मीन वाइल एच हैज मूव्ड 2.5 किलोमीटर ईस्ट, वेयर इज एच विथ रिस्पेक्ट टू जी। गाइज हमें इस क्वेश्चन में एच की लोकेशन बतानी है, इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर, एच इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइटल ब्लॉक इज जनरली मेड एट दी, इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग सीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपोनेंट दैट एड्स टू ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड एज, इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर, प्लग इन। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन मदर एंड डॉक्टर, इसका सही आंसर है गाइस तीसरा नंबर। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइप्स पी एंड क्यू फिल ए सिस्टर्न इन 12 मिनट्स व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर, क्यू एंड आर फिल इट इन 20 मिनट्स व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर एंड पी एंड आर फिल इट इन 15 मिनट्स व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर, इन हाउ मेनी मिनट्स कैन ऑल थ्री पाइप्स फिल द सिस्टर्न इफ ऑपरेटेड टुगेदर, इसका सही आंसर आएगा फोर्थ, 10 मिनट्स। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेल्सियस टेम्परेचर एंड द फॉरेन हाइट टेम्परेचर आर रिलेटेड एज, गाइज इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, आप देख सकते हैं। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन विल फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, स्टडी देम एंड डिसाइड विच स्टेटमेंट इज आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेवेन्यू ऑफ द जू ऑन ए सर्टेन डे, स्टेटमेंट फर्स्ट है, 120 पर्सन विजिटेड द जू ऑन दैट सर्टेन डे, सेकंड नंबर है, अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन टिकट्स प्राइस वाज ऑफर्ड ऑन दैट सर्टेन डे, इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, नीदर स्टेटमेंट फर्स्ट
नॉर सेकेंड इज सफिशियंट। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स जॉग्स से ए टोटल ऑफ 7.5 किलोमीटर इन ए डे, ही जॉग्ड 25/6 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, हाउ मच डिड ही जॉग इन द इवनिंग। इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, 10/3 किलोमीटर। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, द नंबर 80 इज डिवाइडेड इन टू पार्ट सच दैट वन पार्ट इज 9/7 टाइम्स द अदर द लार्जर पार्ट इज। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, 45। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 800 इन 2 ईयर एंड 840 इन 3 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो हमें इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, 5%। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अ कंपास इज यूज टू ड्रॉ, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर, सर्कल। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सीट ऑफ स्टायरोफॉर्म ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर एंड एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर हैज ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सरफेसेस, कंसीडरिंग थर्मल कंडक्टिविटी एज 0.01 जूल पर सेकेंड Mk, द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द सीट इज। इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर, 1.5 जूल्स पर सेकेंड।
गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लास टू लीवर एफर्ट एंड लोड मूव इन द, इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, सेम डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑड सेट ऑफ लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, MNO। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन इमेज, इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, 9। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द गिवन इक्वेशन, इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, प्लस एंड मल्टीप्लाई। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ वी कंपेयर द एफर्ट आर्म लेंथ विथ द लोड आर्म लेंथ इन ए क्लास टू लीवर, इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, एफर्ट आर्म लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म लेंथ।
गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। गाइज इस क्वेश्चन में आपको सारे फिगर देख के बताना है कि कौन सा फिगर सबसे अलग है। तो गाइज इसका आंसर है थर्ड नंबर, आप देख सकते हैं। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा डायग्राम सबसे अलग है यही बताना है इसमें। तो इसका आंसर है पहला नंबर, आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो गाइज इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, अखरोट, सैल, केला। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, छिलका। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ़ STUDIO इज कोडेड एज QRBGM देन हाउ विल RAW बी कोडेड इन द लैंग्वेज।
गाइज, इस क्वेश्चन में भी डिस्क्रिपेंसी थी, इसलिए सभी स्टूडेंट के लिए यह क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया है। गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड इज। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, 25 मीटर पर सेकेंड। गाइज, हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स ए रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, IUCN। तो गाइज, ये था हमारा पूरा वीडियो, पार्ट 1। होपफुली आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।